दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय बल्लू दी हट्टी रायपुर मारवाड़ी ऊना। एकल नारी संगठन द्वारा न्यूनतम आय बढ़ाने के संदर्भ में दिए गए ज्ञापन के बाद विधायक सतपाल सिंह रायजादा ने कहा कि बढ़ती महंगाई के बीच मात्र 35,000 रुपए सालाना आय बहुत कम है। ऐसे में सरकार को स्वयं ही इस मामले पर सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज 400 रुपए दिहाड़ी एक मजदूर ले रहा है, यदि इसका भी योग किया जाए तो सालाना आय 35,000 रुपए को काफी पीछे छोड़ जाती है। लेकिन उससे भी बड़ा और कड़वा सच ये है कि महज 35 या 40,000 रुपए में इन मजदूरों के परिवारों का पालन पोषण भी आज असंभव हो चुका है। रायजादा ने कहा कि प्रदेश सरकार एकल नारी की सालाना आय 35,000 से बढ़ाकर 90,000 रुपए से अधिक करे। उन्होंने ऐलान किया है कि एकल नारियों की इस मांग को आगामी विधानसभा सत्र में भी सदन के भीतर उठाया जाएगा। आज एकल नारी संगठन जो है वो मेरे पास आया, उन्होंने ज्ञापन दिया, उसमें उन्होंने जो 35,000 से बढ़ाकर 60,000 जो है वो मांग रखी है। जिस तरीके से वो उनकी मांग बड़ी जायज़ है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर आए एक दिन की दिहाड़ी जो है वो 300 रुपये भी ले तो वो जाकर 80-90 हज़ार के ऊपर बैठती है। लेकिन सरकार ने वो 35,000 रखी है, तो ये जुर्म करने का एक नया तरीका कि अगर अपनी आय भी छुपाता है तो वो जो है एक तरह से जुर्म है। और मेरा ये मानना है कि अगर 300 रुपया कोई दिहाड़ी लेता है वो गरीबी दावे के अंदर ही आता है। कारण ये है कि आज महंगाई जो है चरम सीमा के ऊपर है, और इसको बढ़ाकर इनकी तो ये मांग है कि 60,000 रखा जाए। मेरा अपना ये मानना है कि जो ये इनकी मांग है ये 1,00,000 तक होनी चाहिए, कि 1,00,000 तक सालाना जो आमदन है अगर उसकी है तो उसको गरीबी उसमें दायरे में ही रखा जाना चाहिए। और इसके साथ साथ और एकल नारी की बहुत समस्याएं हैं, और आने वाले दिनों में जो विधानसभा हमारी बैठेगी उस समस्या को लेकर हम विधानसभा में भी कुछ मुद्दे उठाएंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।